हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ, होप कि आप सभी लोग भी ठीक हो। अच्छा, आज ना व्लॉग बनाने का ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बट एक रीज़न मुझे मिल गया है व्लॉग बनाने का। वो ये है कि आज मुझे मिली सरप्राइज़ पार्टी, जो कि अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे मैं सुबह उठी, मैं वैसे काफ़ी टाइम से डांस भी सिखा रही हूँ। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में भी थोड़ा मैंने टीचिंग किया हुआ है, तो मैं सोचती थी कि मैं टीचर बनूंगी। फिर ट्यूशन पढ़ाने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, अभी बीएड करना ठीक है, तो मैं बीएड करके टीचर बन जाती हूँ। पर मेरी शुरू से ही हॉबी थी डांस। मैं केवी से पढ़ी हूँ मैं, तो मैं केवी की वजह से भी कई स्कूलों में डांस परफॉर्मेंस के लिए गई हूँ। तो जैसे मैं पिथौरागढ़ में थी, तो मैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से केंद्रीय विद्यालय देहरादून FRI में गई थी डांस, अपने स्कूल को डांस की तरफ से। फिर मैंने कई जगह किया तो डांस ऐसे, तो फिर मेरी एक हॉबी मतलब मेरा उसमें बदल गया, शौक भी बोलो आप। फिर मेरी मम्मी लोगों ने मुझे बोला कि हमने तुझे डांस अगर तुझे कोर्स करना है तो कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने बोला बीएड करना है कर सकते हो। मतलब सारे कुल मिला के सब सपोर्ट में थे कुछ भी करना, क्योंकि आपको पता है आजकल ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बैठे रह के मतलब टाइम नहीं बीतता है किसी का भी, अगर टैलेंट है तो दिखाओ। तो मैंने अपनी मम्मी को भी बोला, अपने हस्बैंड को भी, नहीं मुझे दिल्ली में डांस का कोर्स करना है। तो मेरा बच्चा 6 महीने का था, उसके बाद मैंने डांस का कोर्स किया जो दिल्ली में एकेडमी थी वहाँ पे, उसमें से मैंने सीखा है। तो मैंने कोर्स करने के बाद वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बच्चों को सिखाया। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ भी अपने हस्बैंड के साथ गई वहाँ मैंने क्लासेस ली, चाहे वो मुझे कोई हॉल में देनी पड़ी बच्चों को क्लास, स्कूल में दी मैंने, फिर यहाँ पे भी मुझे मौका मिला। तो अब वो सुबह से मेरा मन हो रहा था कि कोई मुझे सरप्राइज़ दे। पहले तो मेरी बेटी ने मुझे कार्ड दिया सुबह, बोला मम्मा हैप्पी टीचर्स डे, आप मेरी डांस टीचर हो, ऐसे करके। तो उसका जो कार्ड था, तो मैंने बोला ठीक है, थैंक यू सो मच। पर मुझे कहीं ना कहीं मन था कि मेरे जो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं आजकल, तो वो मुझे सरप्राइज़ दें, क्योंकि हर पार्टी में सब कुछ प्लान मैं ही करती हूँ। तो इस बार मैंने सोची थी वो लोग करें, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब वो डांस क्लास में आए सुबह, तो सुबह सुबह मुझे थोड़ा बहुत सरप्राइज़ मिला, अभी आप वीडियो में देखना। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, थोड़ा एक दो का मैसेज आया, मैं इतनी खुश हो गई थी कि वाह ये लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो मैं स्टेटस में लगाने लग गई, फोटोज़ भी मैसेज भी। अब उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे फूल दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने, अभी वीडियो में आप सब देखना। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद ना मेरी कुछ कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, क्योंकि प्रेशर भी चल रहा है कुछ। फिर बाद में उन्होंने मैसेज किया कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी इस कारण हमने नहीं किया। तो मैंने उनको डांटा, मैंने कहा तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसे करके बोला मैंने। तो उस बात का ना उनकी उस लाइन का इतना प्रभाव पड़ा उन्हें, तो उन्होंने मुझे शाम को एक सरप्राइज पार्टी दे डाली। अब आप पूरा इस वीडियो में आके देख लेना। सरप्राइज मुझे मिल गया था। उसके बाद दिन भर मेरा कुछ ऐसा स्पेशल डे रहा नहीं। उसके बाद दीक्षा आ गई थी, दीक्षा मेरी दीदी की लड़की है, वो बुकिंग में मेहंदी लगवाती है। तो आज मैडम ने उनसे मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि मैडम का कल तीज का व्रत है। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी, और दीक्षा मेरी करवा चौथ में भी मेहंदी लगाएगी। अरे कहाँ है ये? अरे मैडम चलो ना चाय पीने। हाँ बिजी नहीं है पूजा मैडम, आपकी बड़ी चाय पीने चलो। चलो कोई भी नहीं आ रहा है चाय पीने के लिए, बुला रही हूँ तब से चाय रख। अरे पूजा मैडम बोल रही थी आज आपकी आपको चाय पिलाते हैं, मैंने कहा चलो भी चाय पिलाओ। अरे इन लोगों ने मुझे विश नहीं किया ना, मैं गुस्सा हो गई थी, तब थोड़ी मैं चाय पिलाती, मैंने कहा तुम क्यों पिलाओगी, पिलाओ चलो। अब पता नहीं हम दोनों बैठ के पीते हैं, हम दोनों ही बैठे हैं। ठीक है फिर मैडम, मैं करती हूँ आपको बाद में फोन। हाँ कोई नहीं आते, हम बताए ना, रहने दो ना उनसे, हमें क्या करना। हम चाय पिलाएंगे। हैप्पी बुद्धा डे। अच्छा ये, थैंक यू रोही। हे आओ, हैप्पी टीचर्स डे। इसमें क्या हुआ,
मैंने सुना था भगवान जिंदगी में एक विश दिन की पूरी करते हैं, मतलब हर दिन की कोई अगर सच्चे मन से मांगो तो एक विश पूरी करते हैं। तो मैंने शायद हर बार दिन भर में एक ऐसी चीज़ मांगी थी, जैसे कि मुझे एक सरप्राइज़ मिले, तो सच में मुझे मिल गया था इतना प्यारा सा सरप्राइज़ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सोच रही थी, मतलब हर कोई अपने लिए सेल्फिश हो जाता है, तो शायद मैं भी सोच रही थी कि मैं इन लोगों के लिए हर पार्टी प्लान करती हूँ, मतलब हर चीज़ यहाँ जाना है, ये पहनना है, इस बार पार्टी में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एक तरफ से मान लो एडमिन मैं ही हूँ पार्टी की, तो मैं हर टाइम प्लान करती हूँ। तो मैं सोची थी आज अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए भी ये लोग प्लान करें। तो फाइनली इन लोगों ने प्लान किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग केक काट रहे थे, केक हम लोग ना ऐसे वेस्ट कभी नहीं करते हैं, पर मेरे हाथ में जो दो पीस थे बस हम उसी का अपने फेस पे लगा रहे थे, क्योंकि इनने स्टार्ट मेरे फेस से किया था, तो मैं सभी को थोड़ा सा टचअप कर रही थी। बाकी केक हमने वेस्ट नहीं किया, हम ऐसे कभी भी नहीं करते हैं, ये चीज़ मुझे भी पहले से पसंद नहीं है। बस जो मेरे हाथ में था उसी को हम ये सब चीज़ें कर रहे थे। और इनमें से जो हमारी फ्रेंड है सरोज मैडम, वो थोड़ा दूर से आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़। पर मैं इतनी बड़ी पार्टी की कभी मतलब नहीं मानती हूँ मैं इतनी बड़ी पार्टी कि मुझे दो आप, पर एटलीस्ट हम लोग चार जने मिल के थोड़ा सा इन्जॉय भी कर लें, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और जो मेरे मन में था सच में आज वो पूरा हुआ, और मुझे इतना प्यार गिफ्ट मिला, गणपति बप्पा की मूर्ति, और मेरे पास नहीं थी और मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बप्पा को मैं अपने पास संभाल के रखूंगी, और जब भी मैं इस बप्पा को देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि आप सभी ने मुझे टीचर्स डे में ये प्यारा सा गिफ्ट दिया। और ये सब पूजा मैडम की वजह से हुआ, सुमी मैडम की वजह से, और सरोज मैडम की वजह से, और आप सभी की वजह से, क्योंकि सब लोग हाँ बोलते हैं तभी पार्टी में जान आती है और तभी हर चीज़ पॉसिबल हो पाती है। तो आप सभी का मैं हर बार धन्यवाद कहना चाहूंगी और तहे दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। केक कटिंग के बाद मैंने पप्पा गिफ्ट भी ओपन किया, पप्पा को देखा, उसके बाद मुझे एक चॉकलेट मिली थी। इन लोगों ने ना इतने, मतलब क्या ही बताऊं मैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है, मतलब ये चॉकलेट भी मुझे ये लोग घर नहीं ले जाने दे रहे, ये भी बोल रहे हैं इसको खोल और हमें खिला इसको भी, मतलब ऐसा कोई कहता है क्या? ये लोग बोल देते ना कि जा तू ले जा इसे, तू आराम से खाना, तो मैं तसल्ली से खाती। अब ये देखो ये खोल दी, अब सभी को खिलानी पड़ी मुझे। चलो इसमें भी इन लोगों का, ये मैडम का तो बहुत मन था कि मुझे चॉकलेट खिलाओ, खोलो ना इसमें क्या है, पता है कि उसमें डेयरी मिल्क है, फिर भी खोलो। चलो खोल दी, इन सब ने खा ली, मैं भी खुश, ये भी खुश। जो चीज़ यहाँ पे गिफ्ट मिला वो यहीं पर ही शेयर हो गया था। और ये हमारी मैडम है, उन्होंने चॉकलेट इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैडम का कल फास्ट है तीज का, तो वो लोग एक दिन पहले से मतलब ये कचर पचर वाली चीज़ें नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो ऐसा ही रहा। उसके बाद हम लोगों ने खूब पार्टी में धमाल किया, मस्ती की, और ये अपना जितना भी मुंबई लगा था हमारा ये सब पोछा हमने। और सबसे बड़ी बात है पार्टी में ना मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इतने सारे लोग आ रखे हैं पहले से छुपे हुए। आवाज़ तो मुझे आई थी जब मैं आ रही थी, एंटर की मैंने तो मुझे खुचुर पुचुर इनकी आवाज़ आई थी हंसने की, तब मैंने पहचाना कि शायद अंदर कुछ प्लान हो रहा है। अच्छा, एक सुमी का प्लान और किसका दूसरा? सबका ही था, ऐसे कुछ नहीं। नहीं नहीं, शुरुआत किससे हुई? और दूसरा लाने वाला ये मैडम के व्रत है, हो जाएगा, आधा आधा कर लेंगे। नहीं नहीं मुझे नहीं, ये जो चाय है जिसके लिए हम लोग हमेशा मरे रहते हैं हर किसी के यहाँ पीने के लिए, इस चाय का होता है हम लोग को इंतज़ार। उसके बाद साथ बैठ के खाए हमने समोसे और पी गर्मा गर्म चाय। भाई साथ बैठ के एक चाय मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? साथ में मिले, हंसे, थोड़ी गपशप मारी, और ये सुनो हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है वो, तो बहुत अच्छा है। की थी इसने वो जो फ्रेंडशिप डे वाली पार्टी, तुम्ही ने की थी? हाँ, फ्रेंडशिप डे कितना मजा आया। देखो उस पार्टी को कंप्लीट इनके समोसे ने किया, कई बार हो जाते हैं ना, और मैंने किया है। हां हां, मैंने किया है, किसी ने कुछ नहीं किया है, वही तो बोल रहे हैं ना, किया है तो पैसा नहीं है। अरे मैं नहीं रहूंगी, कहीं ना कहीं तुम लोग तो रहोगे वही, और मैं जहाँ रहूंगी मैं तो करती रहूंगी। अगर आपकी क्लास में बेचारे कोई थोड़े मोटे मोटे स्टूडेंट आ जाएंगे, उसको बाहर थोड़ी ना निकालोगे क्लास से। तुम भले आप अगर टीचर का ट्रेनिंग ना दी, हम स्टूडेंट कहलाएंगे, फिर एज में भी बड़े नहीं कहलाएंगे, एक ही साइज किस पे कहलाएंगे ना, कोई मोटा हेल्दी दिखता है तो। यहाँ तो मैं भी तो बच्ची हूँ। आज हम अनाउंस करते हैं चिल्ड्रंस डे की पार्टी होगी।
होगी जो भी तुम सबकी होगी ड्रेस कोड चिल्ड्रंस डे में ड्रेस कोड भी होगा फ्रॉक दो चुट्टियां जूते बैग प्यारे दोस्तों मुझे एक चीज से बहुत प्यार है अपनी जिंदगी में क्या तो बोलो क्या तारीफ तो आज मैं एक एक लाइन की तारीफ आप सबसे सुनूंगी चलो यार अपने लिए सुना अपने लिए मेरे लिए दिया तुमने ज्ञान का समंदर दिया तुमने ज्ञान का समंदर नृत्य कला भर दी हमारे अंदर इसकी आगे बात कौन पूरी करेगा ये अच्छा था ना क्या बोले आप समझ नहीं चलो एक बार और दिया तुमने ज्ञान का समंदर दिया तुमने ज्ञान का समंदर भरती हमारे अंदर नृत्य कला हमारे अंदर भरती नृत्य कला हमारे अंदर भरती नृत्य कला हमारे अंदर गुड गुड चलो आप देते हो हमको शिक्षा फिर लेते हो हमारी परीक्षा हम गलती करे तो डांटते हो हम रोए तो आप हंसाते हो वाह 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 हंसाते वाह 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 नहीं नहीं एक्शन में कुछ करके दिखा यार मोबाइल में ढूंढो सब लोग वही बोल रहे हैं मोबाइल में नहीं असली वाली गूगल गूगल से तो हर कोई चेपता है चल टेक वन आप जो आए हमारे जिंदगी में बात बन गई ये तो मैंने पहली बार सुना कितना अच्छा है वाह वाह शुक्रिया समथिंग गुड लाइन्स फॉर मी बस आई लव माय टीचर थैंक यू टीचर एक टीचर दूसरी टीचर को थैंक यू आया कुछ गूगल से चेप रही वहां पे बोलो क्या कुछ भी अपनी भाषा में बोलना कुछ तारीफ से काम नहीं ये चुप रहो एक मिनट ये बोल दो ना तारीफ में लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं अरे ये बोल दो फूल तो बहुत है लेकिन मुझे गुलाब पसंद है टीचर तो बहुत है लेकिन मुझे गुलाब पसंद है अभी गुलाब पसंद शुरू शरी नहीं आ रही अभी बता रही हूँ पीछे चलो बोल हे माझे डांस टीचर संगीता भट्ट एवढा छान डांस करते नाही कोणाला सुद्धा ऐकणार नाही अशी आहे लाखों में एक है ठीक है मैडम चलो ना डब्बे में डब्बा डब्बे में केक मेरी टीचर लाखों में बोल दो ना चलो ये समझाना पड़ता है देखो है ना अरे ये गाना गा दो मुझे माफ करना ओम साई राम तुझसे पहले लूंगी मैं अपने गुरु का इनाल प्रयाणम తర్వాత ఒక మంచి టీచర్ ని పొందాము అది చాలా హ్యాపీ ఇలాంటి టీచర్ అందరికీ దొరకాలి వి ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ది టీచర్ एक अच्छा डांस टीचर मिला है आपके जैसे टीचर मिलने के बहुत आनंद है थैंक यू सुनो ये सच में ब्लॉग के लिए नहीं है अपनी संगीता तू मधु पहल जी और तेरे व्यवहार इतना बढ़िया था कि मन बहुत भल लागे जब तू बोल छी और तेरे मतलब व्यवहार व्यवहार इतना बढ़िया था कि तू सपने आपन बना दी थी थैंक यू मैं आज डांस खा लिया जी बड़ा मजा आता तुम्हारे डांस क्लास आ जाए बड़ा मजा आता थी खुश हो जाता फोर्थ टाइम के लिए आ रहा है और क्या ये लोग हो गए ना केक फेंक के मारेंगे हां क्या बोल रहे हो डब्बे में डब्बा डब्बे में झोल के खिलौने में पलोग झोल और पूरा अनमोल रॉयल अनमोल और तुम जैसे रॉयल हमेशा अनमोल अनमोल
बाय बाय। दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाला है पप्पा का प्यारा सा व्लॉग, आप सब लोग देखना और देखना। कल से तैयारी तैयारी के लिए मैं स्पेशल मैडम के घर जाने वाली हूँ कल से। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। अब डांस सीखने भी आना ठीक है, कंटिन्यू। थैंक यू बाप रे। आंटी आंटी बोलो जो बोलना चाहते हो। खोलो यार। आंटी आप भी बोलो। नहीं ये मैंने पकड़ा। किसने बनाया ये भी दिखा दो। टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ बस। चलो यार बहुत अच्छा। बाय बाय रे बाय बाय बाय। हाँ जाओ जाओ बाय। तो था आज मेरी सरप्राइज पार्टी का एक छोटा सा अनप्लान्ड व्लॉग जो कि अब बन चुका है आप लोगों की प्यारी सी तस्वीरों और प्यारी सी वीडियोस के साथ। और मैं इसी तरह आप लोगों को अपने ज्ञान से भर दूंगी जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। और ये मेरी फ्रेंड्स लोग जिनने मुझे मैसेज किया हुआ है ये भी मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ क्योंकि वो लोग भी मुझे अभी तक अपने दिल पर समाए हुए हैं। वो लोग भी मुझे किसी तरह याद कर रहे हैं मैसेज या फोटो के थ्रू। दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और बाय बाय टेक केयर और जय हरी।